कहाँ गई वीडियो? हाँ जी। कहाँ चले जाता तू? तू मेरे शार्षद राह पर सही है? आवाजें मार तू मैं बार बार, बेबी इधर आ जा। ख्वाबों में गुम होती है, यहाँ पे चीजें देखती रहती, खाने पीने की बस। खाने पीने को। Hey guys, welcome back to my channel, Romy RP। तो आज का कुछ ऐसा भी लोग है जो की बहुत ही मजेदार होने वाला है। उसकी वजह ये कि आज आए हुए हम दुबई मरीना। सो यहाँ पे एक शो चल रहा है जो की हमने वीडियो में देखा है। मुझे इसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है की क्या होता है, तुम्हें पता है? बहुत इतनी प्यारी हवा चल रही है, हवा बहुत प्यारी चल रही है। वाह यार, इधर यही है ना कि आपको इतना अच्छा व्यू मिलता है और बहुत ही आप पर्सनली जो वाइब्स आती है ना वो आपको नेचुरल ब्यूटी मिल रही है। और बस मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, काफी मजा आ रहा है। और मेरे पीछे आप कुछ देख रहे होंगे, ये देखना, मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है दुबई व्हील, दुबई व्हील नहीं सॉरी मरीना व्हील है। और ये देखें, ये भी बहुत प्यारा है। तो ये तो आपने पोमी के व्लॉग में देखा होगा, लेकिन आप देखेंगे अब मेरे व्लॉग में कुछ अलग सी चीज जो कि हम दिखाने वाले हैं। जब आप ऐसी जगह पर आते हो ना तो आपके जो मींस के कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं डिसार्ड हुए थे जिससे वो सब आप भूल जाते हो और आप बोलते बस आके यहाँ पर हम इंजॉय करें। और अभी हम जाएंगे इस वाले मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं? ये तो खैर पुल है ना, ब्रिज है ना, बिल्डिंग है। अच्छा तो मेरे को अच्छा होटल आप तो बोलते, ब्रिज है। अच्छा ब्रिज पे जाएंगे, चलें अभी हम जाएंगे ब्रिज पे और आज ये वाला ब्रिज का भी व्यू देख लेंगे। क्योंकि हमने जो चीज़ देखी है वो देखी है एक मींस के ऐसा समझ लें कि वीडियोस में देखी है, लेकिन जब खुद इंसान आता तो वो रियलाइज करता है, वो लगी फील होती है। कहाँ गई वीडियो? कहाँ चले जाता तू? तू मेरे शार्षद राह पर सही है जी। इसको आवाज़ें मार तू मैं बार बार, बेबी इधर आ जा, बेबी इधर आ जा, ये कर ले ये कर ले, ये पता नहीं अपनी ख्वाबों में गुम होती है, यहाँ पे चीज़ें देखती रहती, खाने पीने की बस। खाने पीने को अभी पहले घूम लें फिर कुछ खाते पीते। लेकिन यार ये वाला जो व्यू है ना यहाँ का, ये सबसे बेस्ट है। एक यही व्यू होता है जो मरीना की पहचान है। आप ही क्या बोलते हो? सो थैंक यू सो मच, आप लोग फिर से गए थे, आप ही के चैनल पे जाते रहो जितनी देर हम यहाँ हैं, उसके बाद भी आपने यहाँ ही रहना है, इनके पास इनके चैनल पे रहना है इनके। अरे ऐसी बात नहीं, आप बात नहीं ऐसे किया करो। नहीं नहीं नहीं, आपके पास ही रहेंगे, हमारे परमानेंट है। नहीं नहीं, आप इतने अच्छे व्लॉग बना रहे हो, माशाल्लाह से सबको पसंद आ रहा है, आप ऐसे ही व्लॉग बनाएं। और इनका भी आपको पता है जो हादसा होता है, आप दो दिन बाद आई हैं तो आपने फिर से जो है इनको क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है? सब्सक्राइब लाजमी जाइए करना है इनको भी और आप ही साइमा को भी, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई है। तो प्लीज़ आप लोगों ने खूब सारा इनको सपोर्ट करना है ताकि वो थोड़ा ना अपने खुशी गम भूल जाए। सही है, खुशी गम भूल जाए, खुशी ना भूले गम भूल जाए। देख लो अभी फिर से, ये देखो वो देखो, अकेले अकेले घूमो। वाह तू बच्चू, मेरे साथ नहीं आया, तू अकेले घूमने आया है, अकेले घूमने आया है। क्या मैच देखो? वो नहीं, घर पे जाके देख लेंगे हम, जाना तो बता देना, ले जाऊंगा। है ना सारे क्लब है ना, नाइट क्लब है बाबा, है ना एक्टिविटी हो रही है फुटबॉल की, देखो देखो। हाँ नहीं कुछ दें फिर करेंगे, ऐसे थोड़ी टिकट शिकट भी दें। हाँ ना, ये मरीना की टिकट दे दें अगर हम जीत जाते तो। सारे क्लब्स हैं लेकिन रेस्टोरेंट क्लब भी हैं, वो देखो है, ये वाला क्लब लग रहा है मुझे, ये सारे नाइट क्लब और रेस्टोरेंट है। अच्छा सो हम ब्रिज के पास बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा और चल के जाना है, वहीं जाके एकदम से कैमरा मारूंगा, कोई इतना वो नहीं होगा। लेकिन जो हमारी तरह थे जो कि अपने घरों में बैठे हैं वो लोग तो एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे हमारे व्लॉग को घर में बैठ गए। ये देखो पूरी पार्टी चल रही है यहाँ पे, डिंचिक डिंचिक डिंचिक। बाबा यहाँ तो बहुत सारा क्लब है, बहुत ज्यादा, वो पूरी स्ट्रीट लाइन है यहाँ भी और पीछे की तरफ भी। सो आप लोग जो ना दुआ करना कि हमारी भी जो ना बुकिंग हो जाए जो कि हमने बोली हुई है, एक या तो इस तरह वाली करवाएंगे या तो सिंगल वाली, सिंगल वाली करवाएं जो कि आपने अक्सर देखा होगा मूवियों में भी ना, चलाओ बल्कि कैप्टन बैठा होता है ऐसा। कितना खूबसूरत है ये वाला, तो मेरे ख्याल से इधर ही आप ही बोल रही, लेकिन हम वो वाले सामने वाले में जाएंगे। लेकिन ये ब्रिज बहुत प्यारा है, ऊपर वाले भी ना, ऊपर वाले भी चलते हैं। देख लो व्यूअर्स ये वाला ब्रिज है, अभी ऊपर जाके देखते हैं कैसा है। सो फाइनली हम लोग जो ना ब्रिज पे चढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ के ब्रिज का व्यू कुछ अभी देखते हैं आगे जाके, आगे जाके आगे जाके दिखाते हैं। अभी आप लोग को और नीट जो ना रिजल्ट नजर आता है, क्योंकि पाउच होता है ना
वो लाइट साइड पे पड़ती तो वो जो ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे ब्लर ब्लर हो जाता ना। लेकिन यहाँ से ब्रिज पे हम चढ़ गए, ये देखें ये है इस तरह का ब्रिज। वहाँ से नीचे जाएंगे तो वहाँ से उतर के आप टावर की तरफ भी निकल सकते हो। ये टावर इन्होंने बहुत प्यारा बनाया, लेकिन ये होटल है पूरा ना, है वीडियो, ये होटल है। हाँ, और नीचे पानी है देखो, वाह। अच्छा पानी ऐसे लग रहा है कि फर्श है पूरा, ये देखो। हाँ जंप भी कर सकते हो स्विमिंग करने के लिए, सुसाइड के लिए नहीं। और सुसाइड करना तो बहुत ही बड़ा गुनाह है, जो कि आप आसमान पे नहीं जाते फिर ज़मीन पे रहते हो। सो मैं सोच रहा हूँ यहाँ नीचे चले हैं थोड़ा सा फोटो शूट, लेकिन ये यहाँ से ऊपर से करते हैं, यहाँ से इधर आओ यहाँ से करते हैं। पता नहीं इसको क्या हुआ, क्या हुआ है, कैसे आपने बताया भी नहीं मुझे कि क्या हुआ। चलो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। हमने तो ये लगाया हुआ एयरपोर्ट लगाया हुआ, इसलिए हवा जो ना आपको समझ नहीं लग रही कि हवा हैवी है नहीं। मेरे ख्याल से हो सकता है आपको समझ भी लगती हो, हवा बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है, बहुत तेज। और फाइनली इन्होंने वाली जींस पहने ली है, सो फाइनली हमने वाली जींस भी पहन ली जो उसने लेकर दी थी। हां रॉक वाले रॉक रॉक लड़का रॉक बन गया। इंजॉय कर रहे हो ना व्यू या नहीं बताना लाजमी, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ है एक जो ना बीच, आप लोग बताना कि हम लोग आए, अगर हम लोग मॉर्निंग में यहाँ आएंगे ना तो बीच में अगर हम जाएंगे तो पीछे का जो बैकग्राउंड का व्यू है ना वो बहुत प्यारा आएगा मॉर्निंग का। और लेकिन ये कि नाइट का जो इधर का व्यू ना वो इस तरफ के बीच की तरफ ही सही है। अगर नाइट का व्यू लेना है तो वो ब्रिज पे, और अगर दिन का व्यू लेना है तो वो आप चले जाएं बीच पे। होटल में क्यों, नहीं हम वहाँ नहाएंगे साथ पीछे वीडियो बनेगी, इतनी वीआईपी देखना। तो ये होटल हम यहाँ से देखने लगे, अंदर जाने लगे, बाहर का रास्ता है, हमें जाना है बाहर। तो आई थिंक एग्जिट का रास्ता नहीं है तो भूमि वहाँ चले गई है। सो यहाँ पे जो ना पूरा व्यू आता है ये व्हील का ना, आजा ये मेरा मोतू है प्यार से बोलते उसको मैं, आजा जल्दी आ, पीछे इंग्लिश गाने चल रहे हैं कॉपीराइट ना आ जाए। तो ये भी मैंने पता किया है कि यहाँ पे ना ज़्यादातर जो ना अंग्रेज आकर रुकते, जो फॉरनर कंट्री होते ना वो ज़्यादातर यहाँ रुकते हैं, और इसी वजह से जो ना सबसे ज़्यादा दुबई मुल्क में से ये महंगा है, ये वजह है क्योंकि भाई डॉलर सबसे ऊपर है, डॉलर डॉलर है। जब से दुबई आई हूँ ये पंखे देखे, ओए हाँ हमने इन्होंने पंखे देखे नहीं दुबई में, एसी है ना क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना, तो ऑल टाइम एसी है कहीं भी चले हो। हम लोगों ने इतनी पागलबंदी की, हम लोग जो ना वो दो दरिया से वहाँ से चल के हम लोग वापस यहाँ आए, और यहाँ हमारा तो दो दरिया ही है और हम वापस वहीं जाएंगे, ही बस आए किस चक्कर में। हम कर रहे हैं पता क्या आए थे, चाय ढूंढने आए थे अपनी पाकिस्तानी जो कि हमें मिल नहीं रही, तो यहाँ पे ज्यादा जूस कॉकटेल है। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं फिर निकलते हैं, ऐसे करते हैं। आ जाओ थोड़ा सा पार्क बनाया है, हम यहीं कहीं पे बैठ जाते हैं साफ जगह पे, इधर आ जाओ बस थोड़ा सा बैठ के फिर निकलते हैं आगे। बट ये वो नकली घास है भाई, ये देखो ये देखो, हाँ आर्टिफिशियल जो होता है ना सर फुटबॉल ग्राउंड वगैरह में हॉकी ग्राउंड में लगा होता है। अगर चाय मिल जाती ना यहाँ बैठ के चाय पीते, आया है स्वाद आया था यकीन मानो, इतना मजा आता, पूरे पैसे पूरे हो जाते हैं आप ही, लेकिन नहीं मिल रही चाय। जैसे हम पिकनिक पे लेकर गए थे ना ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर कॉफी है, कैफे है ना सारे। सोची प्यार दे बंदा गया, मैं बोल रहा हूँ देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारे ऐसे असगरी में, लेकिन ये छोटा है वो काफी बड़ा है, ओ सॉरी ये काफी बड़ा है वो छोटा है, और उसकी जो अंदर डोली है ना सिटिंग एरिया जो वो बहुत अलग है, इसका अलग पूरा होटल की तरह, ये बहुत प्यारा है। इसके अंदर वो जो सिटिंग एरिया ना बैठने का वो बहुत होटल लेंगे समझ लो पूरा, ऐसे कि आपको खाने पीने की भी चीजें अंदर मिलेंगी ऐसा है। कल हम घूमने जो ना जाना था पूरे रेडी बैठे हुए थे, और मैं क्या किया मैं जो ना वीडियो बना दी ना इस चक्कर के लिए कि जो लोग ना ऐसे कमेंट कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगा ली कि मैं जो ना कल लगाऊंगा ये वीडियो। सो जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं सारी चीज़ें क्लियर की थी, बट क्या हुआ जितने भी प्यार करने वाले सब ने जो ना मना किया कि नहीं भाई आप छोड़ो लोगों का काम है, बस यही ना किसी को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते,
लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर कभी गुरूर नहीं करते कि हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं या कुछ भी। हमें अच्छा फील होता है कि आप लोग जो ना ग्रोथ करने के लिए हमें अप्रिशिएट करते हो। और मुझे जो प्राउड फील होता है ना एक चीज़ पे होता है वो यही चीज़ है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ना वो आगे बढ़ता देख ही नहीं सकती किसी को मेरे ख्याल से। और ये लोग नहीं चाहते कि हम अगर एक मुकाम पे पहुँचते हैं तो हमें पाकिस्तानी नाम से जाना जाए, ना कि ये रोमी पोमी के नाम से जाना जाए। लेकिन नहीं भाई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, टांग खींचते हैं बहुत ज़्यादा ना। तो सेकेंड चीज़ ये कि मैं जो ना सोचा हुआ था पूरा, तो फिर क्या हुआ मुझे जो ना सारे ने मना कर दिया, मैंने नहीं डाली वो वीडियो, बिल्कुल नहीं डाली। वेट को लेकर बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कैसे हो सकता है वेट यार, हर किसी का ना बोन का बहुत फ़र्क होता है, बोन का किसी का वेट लो होता है किसी का ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। तो यार ये चीज़ें भी, और हम पागल तो नहीं है यार, आपके सामने कॉइंस डाल रहे हैं तो मतलब कि ऐसा कमेंट कर देते जो चीज़ इन्होंने देखी है ना कि वेट इतना है, उसके बावजूद भी बोलते नहीं मशीन ही ख़राब है। मतलब कि बेफालतू का कमेंट यार, बेफालतू की चुल्ले ये। तो मतलब कि साफ पता चलता है कि मैं वो चीज़ वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता कि ऐसा हो रहा है, इनको ये फील हो रहा है पता नहीं क्यों यार। मेरे को समझ नहीं आई कि एक चीज़ कॉइन डाल के हम कर रहे हैं वेट, उसके बावजूद भी बोलते कि नहीं यार ऐसा नहीं किया करो कि बहुत ज़्यादा। इतना डिसाइड हो गए थे हम लोग, घूमने नहीं गए, फिर इसकी आंखों में आंसू, हम बोले यार ये ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगले की फीलिंग को नहीं समझते ना कुछ लोग। तो मेरे ख्याल से जो किसी की फीलिंग को नहीं समझते ना तो उनके साथ फिर खुदा बहुत बुरा करता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ना किसी की फीलिंग को ना समझना चाहिए। अभी हम जो ना निकलने लगे हैं, हम लोग तो वहाँ गए थे पीछे कुछ चाय वगैरह के चक्कर में, लेकिन नहीं मिली यार। हम लोग इतना नहीं होटल की है, ये बोरी बाहर तक छोड़ते उसको। अभी खैर मैं अभी रिप्लाई नहीं दूंगा, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो हमें समझते हैं। बस ये हमारे लिए बहुत प्राउड है और हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब सपोर्ट करते हो और जो लोग कमेंट का जवाब देते हो। और जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं तो आप लोग अपने इतने सारे जितने भी सारे लोग सपोर्टर हैं हमारे, जब हम प्यार करते हैं इतने सारे कमेंट करो जो हेट करने वाले हैं वो नज़र भी ना आए, ठीक है। तो आप लोगों से बस ये मेरी एक गुजारिश है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और ताकि ये लोग हमारी चैट से दूर दूर चले जाएँ। इनफैक्ट जो हेट करते हैं हमारी वीडियो ना देखें, इतना प्यार दो हमें, ठीक है। सही है बेबी, अब खुश हो? हम तो किसी को कुछ बोलते भी नहीं, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं यार, जैसे भी कर रहे हैं कुछ भी है। हाँ ठीक है, आपका हक है, लेकिन समझाने का हक है ना कि गलत बोलने का। समझाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है किसी को गलत बोलने से। ठीक है यार, ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। अभी हम यहाँ से यार बाहर जाना, इतना थक जाएंगे ना, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा हम बाहर कैसे निकलें, क्योंकि इसके भी जो ना टांगे जवाब दे रही हैं, अभी इतना चल के जाना पड़ता है। यहाँ बस यही है कि वो हो गए, तभी तो पतले दुबले हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग चलते बहुत हैं। यहाँ पे बैठ के दोदरिया वाली फीलिंग आ रही है हमें, है क्योंकि यहाँ पे भी ना ऐसे पत्थर है। हाँ मजा आ रहा है। आप ही कहाँ गई आप ही? मैं बोल रहा हूँ वो तो नहीं जा रहे, आप जैसी हाइट सेम जा रहे, तो मैं देखो मेरी काम देखो, मैं किनको आवाजें मार, फ्लश पड़ा है ना आंखों में, नजर ही नहीं सही आ रहा। मैं कह रही यहाँ से लिफ्ट मिलेगी ना? यहाँ से नहीं, वहाँ से जाएंगे हम सीधा, बस हो गया ये पुल क्रॉस करेंगे सीधा नीचे, उधर से बार के में बैठ जाएंगे। यहाँ पे जो ना उसको लेने हैं चिप्स, तो मैंने बोला चले दे मुझे ये सही। ओ पकड़ ले भाई, पकड़ ले। आई थिंक रेड हुआ है, नहीं चल रही, क्या लग रहा है आपको? यहाँ से तो कॉइंस वापस भेजेंगे। अच्छा अभी चलेगा, सॉरी नहीं बेबी बंद है, क्या चक्कर है, आ जाओ। मशीन ही बंद हो गई, सारे काम ही हमारे नाकाम हो रहे हैं, मशीन भी नहीं चल रही है, बोरे ख़राब है ये भी, क्या करें। लिखा भी नहीं है लेकिन वो रेड हुआ है, जहाँ से पैसे डालते ना मैं वहीं से समझ गया था कि ख़राब है, फिर वो गार्ड ने बोला कि हाँ ख़राब है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का ये वाला व्लॉग यहीं तक कि रात को बहुत थक गए थे हम लोग, तो हम सो गए, उसके बाद मैं बोला चले सुबह उठ के एकदम एंड करेंगे व्लॉग। तो मेरी तो आँखें बंद हैं और मैं व्लॉग बस जल्दी से पोस्ट करना, क्योंकि कल भी नहीं डाला, बहुत लेट हो गया था। तो ये वाला व्लॉग हमारा यहीं तक की उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आज अभी हम कहाँ जाने वाले हैं, बस रेडी होंगे, उठेंगे नाश्ता करके फ़ौरन से फ़ौरन, बहुत अच्छी जगह पर आज जाने वाले, तो वो लोग मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगला व्लॉग बहुत इंटरेस्टेड है। बाय बाय।